तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सलाम। तो आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ एंड आज के इस वीडियो में वापस से हम लोग करने वाले ग्रैंड मास्टर की पुशिंग एंड ये होने वाला है हम लोग का एपिसोड नंबर 48 ऑफ ग्रैंड मास्टर पुशिंग इन सीजन 26। तो फिलहाल आप लोग मेरी स्कोर वगैरह को देख सकते हो, फिलहाल मैं मास्टर की 5 स्टार में हूं एंड मेरा जो स्कोर है वो है 25,631 यानी कि 25,000 से भी जो ज्यादा स्कोर हमने कर रखा इस सीजन है। एंड मैं बहुत टाइम पहले मतलब अब से लगभग एक हफ्ते पहले ग्रैंड मास्टर में ही था लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं उतर गया, लेकिन सीजन एंड होने से पहले वापस से मैं ग्रैंड मास्टर जाऊंगा एंड ये मैं आप सबसे प्रॉमिस करता। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो ये है हम लोग का पहला गेम जिसमें कि मैं खेल रहा था सोलो में एंड फिलहाल तक मेरे एक ही किल है एंड अभी टोटल बंदे जो कि अलाइव 11 बचे एंड मैं उसमें से एक हूँ यानी कि 10 बंदे जो कि मेरे अलावा अभी बचे हुए हैं। उनमें से एक बंदा मेरे को सामने की ओर दिखता है, उसको पहले तो मैं गाड़ी से ठोकने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं गाड़ी से उसको नहीं ठोक पाता उसके बाद मैं उसको 12 एंड 17 के कई सारे बॉडी शॉट लगा के उसको डैमेज करता हूँ। फिर जैसे ही वो निकलता है तुरंत से उसको MP5 से हेड लगा के उसका काम वहीं पर तमाम कर देता हूँ। अभी वहाँ से उसकी लूट बॉक्स को लूट वगैरह करने के बाद उस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा बहुत कट कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो एंड आप लोग का थोड़ा बहुत टाइम भी बच सके। अभी यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ के निकल ही रहा था क्योंकि जोन जो कि नदी के दूसरे साइड में थे, तभी मैंने देखा कि सामने की ओर फाइट हो रखी थी एंड उसी का फायदा होता कि एक बंदे का मैंने किल उठा लिया, वो भी बस 42 के दो शॉट लगा के यानी कि दो बॉडी शॉट से मैंने उस वाले बंदे का किल उठा लिया। अभी ब्रिज में मेरे को और एक बंदा दिख गया था एंड इस तरफ भी मेरे को बंदे दिख रहे थे जिसकी वजह से यहाँ से मैं थोड़ा बहुत देखने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ब्रिज वाले बंदे को एक शॉट लगाता 43 का एंड उसके बाद वापस से गाड़ी लेके जाने वाला हूँ। अभी मैं ब्रिज में बिल्कुल भी फाइट नहीं लेने वाला क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग ऊपर की तरफ देख सकते हो वार्निंग आ चुका है यानी कि जोन जो कि आना चालू हो गया। अभी अगर मैं इस वाले बंदे के साथ फाइट करने रुकता हूँ या तो ये मेरे को मार देगा या फिर मैं इसको मार दूंगा, लेकिन जो भी बचेगा वो बंदा जोन नहीं जा पाता जिसकी वजह से मैं वहां से निकल गया ताकि भाई वो भी बचा रहे मैं भी बचा रहा हूँ, लास्ट में उसका किल मेरे को शायद से मिल भी सकता है। एंड तभी मेरे को सामने की ओर वही बंदा दिख जाता है तो उसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से 3-4 बॉडी शॉट लगा देता हूँ उड़ भी करके एंड बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। अभी दूसरे साइड में भी मेरे को बंदा दिख रहा था यूएवी लाइट में एंड एक बंदे को मैं हेड शॉट देने के चक्कर में यार उसका बॉडी शॉट भी नहीं ले पाया यानी कि मैंने उसका किल जो कि है जाने दिया, मतलब मेरे से वो मिस हो गया। अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे दोनों बंदे उधर फाइट कर रहे थे एंड मैं उसका फायदा उठा के भाई दोनों बंदों में से एक को ले लेता हूँ एंड दूसरे बंदे को भाई उसने पहले ही मार दिया। इसी के साथ उस वाले मैच में मेरे बुआ हो गया लेकिन मैं गेम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि मेरा जो कि स्टोरेज फुल हो गया, मतलब रिकॉर्ड तो मैं कर रहा था लेकिन बीचों बीच मेरा स्टोरेज फुल हो गया। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो मैंने एक और गेम चला दिया है जो कि हम लोग का सेकंड गेम है एंड इसमें मैं खेल रहा था स्क्वाड में एंड फिलहाल मेरे सामने की ओर एक बंदा दिखा मेरे को जिसको कि मैंने AN94 से काफी बढ़िया वाला डैमेज कर दिया था। अभी वो फुल डैमेज था बंदा, एक दो गोली का बंदा था तो इसकी वजह से मैं सीधा सीधा आके घुस जाता हूं एंड MAC-7 से जैसे उसको 2-3 गोली पड़ती है उसके बाद वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। इसी के साथ मेरे 3 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे टोटल अलाइव आप लोग देख सकते हो 18 बंदे एंड हमारी स्क्वाड के दो दो बंदे अभी अभी मर चुके तो उनको पहले रिवाइव करना जरूरी था लेकिन गेम के दौरान मेरे को वो नहीं दिख रही यानी कि मैं माइक ऑफ करके खेल रहा था तो मेरे को ये नहीं पता था कि हम लोग के दो बंदे मर चुके। तो अब यहाँ पे तो वेंडिंग मशीन एकदम पास में ही था लेकिन मेरे को यही नहीं पता था कि हम लोग के दो बंदे मर चुके थे जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल रहा था। तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है तो भाई इसको भी मारना जरूरी था, जैसे ये निकलता है उसको भी मैं तुरंत से MAC-7 से बॉडी यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं एंड टोटल लाइफ पे अगर आप लोग नजर घुमाएं तो 13 बंदे यानी कि हमारे अलावा जो कि अभी 11 बंदे और बचे हुए। अभी मेरे को भाई अब तक नहीं पता था कि हमारे दो बंदे मर चुके थे एंड यहाँ से मैं भाई बंदों की लूट बॉक्स को लूट वगैरह करने में लगा हुआ था, मतलब फुल टू मेरे को लूट करना जरूरी लग रहा था एंड मेरे को कसम से ये नहीं पता कि भाई अपने स्क्वाड के दो बंदे मर चुके। अभी वापस से मैं गाड़ी पकड़ के निकलने वाला हूँ क्योंकि मेरे को और किल्स की जरूरत थी एंड साथ ही में मेरे को लगा मेरी पूरी स्क्वाड जिंदा होगी तो जिसकी वजह से मैं पूरा रश करके खेल रहा था। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक और बंदा मेरे को जिसको कि मैंने डबल पिस्टल से काफी ज्यादा डैमेज कर दिया यानी कि M1917 से उसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हेडशॉट और बॉडी शॉट का कॉम्बिनेशन देके काफी ज्यादा उसको डैमेज कर दिया। अभी ये बंदा जैसे ही निकलता है उसको दो शॉट में और लगाता हूं MP5X के क्योंकि मैंने उसको पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था तो बंदा यहीं पे मर गया। इसी के साथ इसको कंप्लीट करने के दौरान मतलब इसका कंप्लीट करने के बाद मेरे कंप्लीट हो जाते हैं 5 किल एंड अभी टोटल अलाइव पे अगर आप लोग देखें तो 10 बंदे अभी भी अलाइव है एंड उनमें से हम दो बंदे। अभी मैं यहाँ पे लूट करने में बैठा हुआ यानी कि भाई यहाँ पे मैं स्कोप ऑन करके क्यों बैठा था मेरे को नहीं पता, लेकिन जब इस वक्त पे मेरे टीममेट्स मेरे को भाई माइक ऑन करके बोलते कि भाई हमको बचा लो हम मर चुके कब का तुम यहाँ लूट करे जा रहे हो, तब मेरे को पता लगा कि एक्चुअल में वो बंदे मर चुके थे। अभी यहाँ से वेंडिंग मशीन में इन दोनों को रिवाइव करने के बाद ये दोनों भी बच चुके हैं। टोटल लाइव अगर आप लोग देखिए अभी 11 बंदे बचे हुए हैं यानी कि हमारे स्क्वाड के अलावा अभी 7 बंदे और बचे हुए, उनमें से 3 बंदे मेरे को सामने की ओर दिख जाते हैं। भाई तीनों में से मैं एक को भी नहीं ठोक पाता यानी कि मेरे को तो पहले ये लगा था
कि तीनों बंदों को मैं गाड़ी से उड़ा दूंगा एंड मेरे को 3 किल बड़े इजीली मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब पता लगा, पास आया तो एक भी बंदे को मैं नहीं थोक पाया, क्योंकि एक तो मेरे पास मिशा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत उनसे पंगा कम ही लिया, यानी कि वहां से मैं पहली फुर्सत से निकल गया। अभी यहां पे आके मैं पत्थर का कवर ले लेता हूं एंड साथ ही में मैं इन बंदों को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज कर देता हूं। इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो एसकेएस से उनको बॉडी शॉट काफी ज्यादा आ रही थी, क्योंकि एक तो मारो कैरेक्टर था मेरे पास एंड साथ ही मैं शायद से उनका वेस्ट जो कि है लो लेवल की। अभी मैं बंदों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हूं यहां से, क्योंकि एसकेएस बहुत सही डैमेज दे रही थी एक तो एंड साथ ही में मेरे जो कि ये टीममेट्स वो ऊपर है तो वो मेरे को एडवांटेज दे सकते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं जोन की तरफ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा, बंदे मेरे को थोड़ा थोड़ा डैमेज देते रहे। अभी जैसे ये बंदे निकलते उनको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई बहुत अच्छा खासा बॉडी शॉट लगा देता हूं एंड उसके बाद काफी ज्यादा उनको मैं डैमेज भी कर देता हूं। लेकिन फिर जैसे ही मैं एक को मारने लगता हूं, दूसरा मेरे को वहां पर डैमेज कर देता है। अभी जो मेरा टीममेट है 3 नंबर नवाब जादे, वो भाई ऊपर से मेरे को पूरा पूरा कवर देने वाला है, क्योंकि उसके पास एक तो हाइट का एडवांटेज था एंड साथ में बंदे उसी की तरफ से जोन आने वाले थे, जिसकी वजह से उसके पास पूरा एडवांटेज था। तो अभी मैं धीरे धीरे करके आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरे को भी जोन जाना जरूरी था एंड यहाँ पे वार्निंग आ चुका था, यानी कि मेरे को जाना ही पड़ेगा जोन। अभी यहाँ तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई इन बंदों को हमारी स्क्वाड में से सबसे ज्यादा डैमेज मैंने किया होगा शायद से, क्योंकि मैंने इसको काफी ज्यादा डैमेज दिया। कई बार 72 के बॉडी शॉट्स लगाए, कई बार 50 के या फिर 60 के बॉडी शॉट में लगाया जा रहा था। अभी नवाबजादे को एक बंदा रश कर देता है उनकी स्क्वाड का एंड वो उसको खत्म कर देता है। इसी के साथ भाई अभी टोटल अलाइव जो कि ये 2 बंदे बचे हुए थे, लेकिन हरीश भाई और नवाबजादे ने 1-1 किल और करके बात को वहीं पे खत्म कर दिया एंड इसी के साथ उस वाले मैच में मेरे 5 किल के साथ भैया हो। अभी उस मैच का मैं आप लोग को प्लस तो दिखाना चाहता था, लेकिन गेम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने की वजह से मैं आप लोग को वो नहीं दिखा पाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था, क्योंकि वहां पे एक बंदा रिवाइवल जोन में रिवाइव कर रहा था, तभी एक बंदा मेरे को और मिल जाता है, उसको भाई बेफालतू का मैं ऐसे ही मार देता हूं, यानी कि बंदा ये अकेला बचाता है, ये बंदा ऐसे ही मर गया, मतलब मैं मारने किसी और को आया था एंड ये बेचारा ऐसे बीच में। अभी जो बंदा रिवाइव कर रहा था वो मैकलेरन लेके वापस से निकलने वाला, आप लोग देख सकते हो मैं लेकिन यहाँ पे उतर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फोर्ट कैरेक्टर नहीं है एंड अगर मैं उतरता हूँ गाड़ी से तो मेरा बहुत ज्यादा गंदा वाला डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे मैं गाड़ी से पहले भाई जोन की तरफ निकलूंगा, उसके बाद अगर वो बंदा मेरे को जोन के अंदर मिलता है तो उसको मैं श्योरली मारूंगा। भाई इसी के साथ आप लोग देख सकते हो सामने की ओर एक बंदा भाई जो कि इसी का टीममेट है, वो पैराशूट से यहाँ पे लैंड कर रहा होता है एंड तभी गाड़ी लाके मैं यहाँ पे घुसा देता हूँ, लेकिन उसको मैं यहाँ पे नॉक नहीं कर पाता। और उसके बाद बंदे को देखो भाई पत्थर के अराउंड गोल गोल वो घूम रहा था, तभी मैं उसको बड़ी आराम से यार MP40 से डैमेज करके M4A1Z का एक ही शॉट लगाता हूँ एंड बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। अभी तक तो मेरे 5 किल हो चुके थे एंड ये किल कंफर्म होने के बाद मेरे 6 किल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हाँ, अगर आप लोग को वीडियो में अभी तक मजा आ रहा है वीडियो को कर दो एक लाइक, साथ ही में अगर चैनल पे नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में वीडियोस को जरूर से शेयर करें, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सीजन ग्रैंड मास्टर टॉप 1000 के अंदर जाने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को काफी टाइम तक कोई भी बंदा नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप कर दिया ताकि आप लोग का थोड़ा बहुत टाइम बच सके। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो ब्रिज के नीचे 2 बंदे कैंप करके बैठे थे, उनमें से एक को मैंने नॉक करके पूरा ही खत्म कर दिया एंड उसका टीममेट देखो भाई जब वो टोटल किल हुआ उसके बाद ये बंदा ग्लू वॉल लगा रहा है, मतलब भाई वो दूसरा टीममेट जो जिसको कि मैंने मार दिया वो तो भाई इसको क्या ही सुना रहा होगा कि भाई तू क्या ही आदमी है यार, जब मैं मर गया उसके बाद तू ग्लू वॉल लगा रहा है। अभी ये बंदा तो यहीं पे बैठा हुआ था तो उसको मैंने बड़े आराम से यहाँ पे मार दिया, लेकिन बंदा थोड़ा सही सा था यार, पूरा M10 वगैरह लेके मेरे को भी काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे उसने कर दिया था। तो ये आप लोग देख सकते हो हमारी स्क्वाड के अलावा जो कि अभी एक ही और बंदा बचा हुआ है एंड अगर हम लोग इसको सक्सेसफुली मार देते तो भाई ये वाला मैच हम लोग का भुया हो सकता है। अभी हम लोग इस चक्कर में थे कि भाई कैसे भी ढूंढ के बंदे को टोकन दे दो ताकि हम लोग को थोड़ा बहुत और किल मिल सके, लेकिन बंदा हमको कहीं भी मिल ही नहीं रहा था तो इसीलिए बहुत टाइम तक इस बंदे को हम लोग ढूंढते रहते। अभी आप लोग देख सकते हो फिलहाल भाई हमारे चारों के चारों बंदे उसको ढूंढने में पूरा पूरा लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी बंदा हमको काफी टाइम तक नहीं देखने को मिलता। अभी इस वाले बंदे को ढूंढने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाता, जिसकी वजह से मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा बहुत और स्किप कर दिया एंड अगर ये बंदा मेरे को मिलता भी था तो भी भाई मैं इसको नहीं मारने वाला, क्योंकि मेरे 8 किल हो चुके थे एंड हमारे टीममेट के जो कि भाई किल्स कम थे, यानी कि किसी के 4 थे किसी के 5 थे, जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि भाई किल हमको दे। हमारे इन तीनों टीममेट्स में भाई कॉम्पिटिशन लग चुकी थी, यानी कि जो बंदे को भाई ये बंदा दिखता है पहले वही उसको मार डालेगा। अभी नवाबजादे को उधर वो बंदा दिख चुका था एंड इसी के साथ उसने उसको M1887 से खत्म कर दिया। तो यही तक था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से कमेंट करके बता देना एंड क्या मैं सीजन चेंज होने से पहले वापस से ग्रैंड मास्टर जा सकता हूँ, ग्रैंड मास्टर के बैनर अवतार ले सकता हूँ, जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना एंड साथ ही मैं तो अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश करने ही वाला एंड क्या टाइम में मतलब सुबह कौन से टाइम में मैं वीडियो को अपलोड करूँ वो भी मेरे को आप लोग बताना, ताकि आप लोग के हिसाब से मैं वीडियो के शेड्यूल को थोड़ा बहुत चेंज कर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अगर आपने हमारी पहले की एपिसोड नहीं देखी तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगे फिलहाल।